हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक ट्रेन है जो कि 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में स्पीड ट्रेन का 45 किलोमीटर पर आवर से क्रॉस करती है। तो देखिए, आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए, यहाँ डिस्टेंस आपको क्या लेना है, डिस्टेंस आपका लेंथ ऑफ ट्रेन लेना है, प्लस क्योंकि वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। तो समझिए, प्लेटफॉर्म पे शुरू में ट्रेन आए और निकल गई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ये उसका डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। और आपका स्पीड यहाँ 45 है, लेकिन यहाँ 45 आपको किलोमीटर पर आवर में है, और आपको यहाँ जो आपको सब यहाँ डेटा है मीटर पर सेकेंड में, तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और आपका टी यहाँ 60 सेकेंड गिवन है, तो आपको यहाँ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी 100 मीटर गिवन है, 100 मीटर ये गिवन है। तो और यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा 650 मीटर। फिर इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये अब ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को कितने समय में क्रॉस करेगी। तो देखिए, अब डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डिस्टेंस इसका लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, और स्पीड आपको यहाँ 45 ट्रेन का गिवन है, 45 इंटू इसको, फिर इसको आप किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ आपको यहाँ इसका क्या, इसका टाइम इसका निकालना है, ठीक है। तो देखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ 650 आप पुट कीजिएगा, और इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 5। तो आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो यहाँ 25/2 इंटू 2 टी, तो यहाँ से आपको टी आपको निकल के आ जाएगा कितना, 52 सेकेंड, यहाँ आंसर निकल के आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में आपको गिवेन है कि एक सम है, सम मतलब आप देखिए सम क्या हो गया, आपका यहाँ पी प्रिंसिपल क्या है, 16,400 आपका प्रिंसिपल गिवेन है, और इसको दो इक्वल इंस्टॉलमेंट पर पेमेंट करना है, और यहाँ पर आपको 5% पर एम कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है। तो देखिए, आर बराबर यहाँ आपको क्या गिवन है, 5%, तो आप 5% को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़िएगा, तो 1/20, तो मींस देखिए ये आपका 20, यहाँ ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, और एक प्रिंसिपल पर मतलब 20 पे आपको एक रुपया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपका जो अमाउंट होगा मिश्रधन हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं प्रिंसिपल है और यहाँ अमाउंट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या था, देखिए जो प्रिंसिपल है 20 था, 20 पे आप एक आप दिए इंटरेस्ट एज ए, तो क्या हो जाएगा 20+1 ये 21 आपका अमाउंट हो गया, जो कि मिश्रधन हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का था, सॉरी ये फर्स्ट ईयर का है। अब देखिए आप सेकेंड ईयर का आप निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सेकेंड ईयर निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप ये जो 20 है यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, 21 दोनों का यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। और देखिए जो आपका ये अमाउंट है, ये आपका इंस्टॉलमेंट यही होता है, ठीक है, यही आपका इंस्टॉलमेंट है। तो आपको इंस्टॉलमेंट क्या करना है, दोनों इक्वल पेमेंट करना है, इक्वल। तो देखिए यहाँ 21 है, यहाँ 441 है, तो दोनों क्या है, अनइक्वल है। इसको इक्वल बनाने के लिए आप इस पूरे इक्वेशन में मतलब आप क्या कीजिएगा, देखिए कितने से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि बैलेंस हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ 441 आ जाएगा, यहाँ भी 441, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएगा। तो हम इस फर्स्ट ईयर को यहाँ सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये 400 हो जाएगा, सॉरी 420 हो जाएगा, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ये कितना निकल के आ जाएगा, 820, ठीक है। और यहाँ तो अभी आप निकालिए नहीं, क्योंकि कंबाइंड पूछा नहीं है। तो देखिए आपका जो 820 ये पी है, और ये पहले का ये पी दिया हुआ है, तो हम 820 बराबर क्या लिख सकते हैं, 16400 इतना रुपया। तो आप एक में निकालिएगा, तो आपको एक यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 रुपया के बराबर हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है, देखिए पहला इंस्टॉलमेंट आपको 441 है, और दूसरा भी 441 है, दोनों क्या है, 441 है। तो आप 441 का निकाल दीजिए, जो इंस्टॉलमेंट आपको पेमेंट करना है, तो ये आपको निकल के आ जाएगा यहाँ से 8,820 रुपया,
ये आपका यहाँ आंसर निकल के आ गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको गिवन है, सुशांत है इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो हाउ मच अमाउंट यहाँ पूछा है, मतलब अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट CI दोनों हो गया, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसे कैसे सॉल्व कीजिए, देखिए आप अगर रेट अगर 3 साल के लिए निकालना है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए जब CI निकालना हो तो मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखिए 3A, फिर यहाँ पर जो आपको आया ये 2 डिजिट पे आपको 3A² का वैल्यू लिख दीजिए और यहाँ 2 डिजिट पर AQ का वैल्यू लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको 3 साल का CI डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ देखिए रेट 10% है ना, तो A आपको यहाँ क्या है, A आपको क्या है रेट है, रेट R पुट करे A इक्वल टू, ठीक है। देखिए आप पुट कीजिए, अब 10 साल का 10% का निकालना है 3 साल के लिए। तो देखिए आप सब यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड से, तो यहाँ 2 डिजिट है तो 2 डिजिट मैंने जैसे बोला ऐसे लिख लीजिए। अब 10 का Q कीजिए, तो 10 का Q आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो आपको 2 जीरो यहाँ से लेना है और ये 10 बचा आपको हासिल के तौर पे अपने पास रखना है। फिर अब अगले 2 डिजिट में क्या करना है, 3A² है, तो देखिए एक जगह 10 नहीं है, 100 × 3 300, पहले का ये 10 हासिल 310, तो 310 हो गया। तो 310 में आप 2 डिजिट 1 और 0, ये 1 और 0 रख लीजिए और 3 आपका ये हासिल फिर से आ गया आपके पास। तो देखिए अब यहाँ डॉट लगा दीजिए, फिर यहाँ 3A है, तो देखिए एक जगह 10 पुट कीजिए तो 10 और 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30, और 30 आप पहले का 3 हासिल, तो ये कितना हो जाएगा 33। मीन्स आपका 10% का 3 साल का आपका CI कितना आ जाएगा, 33.1%, ठीक है। तो देखिए आपको बस 10,000 का 33.1% ही निकालना है, तो आप 10,000 का 33.1% आप निकाल दीजिए, तो आपको नीचे 000 आ जाएगा, परसेंटेज का भी 2 जीरो, ऊपर दशमलव का नीचे 1 जीरो 3 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो, तो यहाँ से आपको 3,310 रुपया आपको ये क्या आया है, ये आपको CI आया है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो CI में आप प्रिंसिपल और आप 10,000 जो है आपका ऐड कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, आपको इसको यहाँ अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,33,310 मीन्स आपको अमाउंट यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा 13,310 रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्टूडेंट हैज एवरेज 69 ऑन फर्स्ट 5 एग्जाम, मतलब पहला जो 5 एग्जाम है ना उसका एवरेज कितना है, 69 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल निकालिएगा तो 69 × 5 कीजिए, तो आपको यहाँ से टोटल आ जाएगा 345, ये 5th एग्जाम तक का है, ठीक है। फिर आपको यहाँ आगे क्वेश्चन में आपको है कि 6th एग्जाम तक, ठीक है, इसका एवरेज मार्क्स 74 हो जाता है, तो 6th एग्जाम तक 74 हो जाता है, यहाँ टोटल आप निकालिएगा 74 × 6, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 444 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आपको यहाँ फाइंड आउट निकालना है कि कितना वो 6th एग्जामिनेशन में नंबर आए कि एवरेज इसका 74 आ जाए। तो देखिए 5th एग्जाम तक कितना था, 345 था, और 6th एग्जाम में कितना हो गया, 444 हो गया। तो 6th एग्जाम में कितना आ गया था, 444 में से 444 में से 345 आप माइनस कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपको 99 आपको आएगा। ये क्या आ जाएगा, मतलब 6th एग्जामिनेशन में 99 मार्क्स लाएगा, तो उसका एवरेज 74 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ से 99 यहाँ आंसर निकल के आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपको यहाँ है कि मार्क प्राइस ऑफ ए इलेक्ट्रिशियन इज 690 रुपया मार्क प्राइस है, कोई शॉपकीपर अलाउड डिस्काउंट 10% और गेन 8% है,
और यहाँ नो डिस्काउंट दे तो उसको गेन परसेंटेज बताना है। तो देखिए यहाँ सीपी कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, ऊपर सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, और यहाँ ऊपर मार्क प्राइस लिख लीजिए, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं मार्क प्राइस लिस्ट प्राइस अंकित मूल्य। तो देखिए और मार्क प्राइस हमें जो मार्क प्राइस होता है वो जो डिस्काउंट मिलता है हमको किस पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो देखिए आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 10%, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/10। तो देखिए ये बेस में जो 10 आ गया ये क्या है, मार्क प्राइस आपका है, मार्क प्राइस 10 है और उस पर 1 का छूट दिया है, छूट मीन्स आपका 10 था 1 का छूट दिया तो कितने बेचा, 9 रुपये बेचा, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार हो गया। अब आगे क्या बोलता है, उसको 8% गेन होता है। तो देखिए 8% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 2/ कितना आ जाएगा, 25। तो देखिए 25 ये क्या हो गया, सीपी हो गया, इसके 25 पे इसको गेन हो रहा है कितना, 2 का। तो देखिए इसका कॉस्ट पैसे 25 और गेन होके कितना हो जाएगा, 2 ऐड कीजिएगा 25 पे तो 27 हो जाएगा। तो देखिए दोनों इक्वेशन में आपको सेलिंग प्राइस गिवन है लेकिन अलग अलग है, दोनों को इक्वल कर देना है और दोनों इक्वेशन से हमको एक कॉमन इक्वेशन निकाल देना है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या कीजिए, पूरे इक्वेशन आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ से दोनों से हमने यहाँ कॉमन लेके आए हैं। तो देखिए 25 इसमें तो कोई मल्टीप्लाई किए नहीं है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, 9 या 27 दोनों में ये कॉमन आ गया, फिर यहाँ क्या हो गया 10 या 30, ठीक है। आपको मिस तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 25, सेलिंग प्राइस हो गया 27 और मार्क प्राइस हो गया 30। और देखिए यहाँ आपको ये 690 रुपये दिया है, आपको कंपेयर करना है डेटा को, तो आपको 690 का तो कोई यूज ही नहीं है, आप इसे यूज कीजिएगा तो आप फंस जाएगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आप बिना उसे यूज के डायरेक्ट आपको कंपेयर करना है तो आप इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपके यहाँ आगे आपको कंडीशन है कि नो डिस्काउंट गिवन, मतलब देखिए उसका मार्क प्राइस इतना था डिस्काउंट दिया तब ना 27 में बेच रहा है, लेकिन अब इसने डिस्काउंट दिया नहीं, मतलब ये 30 रुपया ही इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक। तो देखिए अब इसका 25 कॉस्ट प्राइस है और 30 इसका सेलिंग प्राइस है, तो मतलब कितने का इसको प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया ना, तो 5 का प्रॉफिट हो गया कितने पर हुआ, देखिए इधर कितना है 25 पे, ठीक है। तो आप इसे 100 पे निकाल लीजिए तो आप 25 चौके 100, तो यहाँ से इसको 20% की प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ आंसर निकल गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको गिवेन है कि प्रेजेंटली एज ऑफ मदर एंड हिज सन, देखिए मदर का और सन का रेशियो कितना है, मदर को हम 2x मान लेते हैं और सन को x मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पाँच साल पहले दोनों का सम का एजेज का सम कितना, 80 ईयर्स है। तो देखिए अभी करेंट दोनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा। तो देखिए 5 साल पहले जाना है जो 80 ईयर्स के बराबर है, तो देखिए करेंट है 3x, 5 साल पहले 1 का 5 साल, 1 इंसान में -5, फिर 2 इंसान का करना है तो 5 × 2 तो -10 कर दीजिएगा, इसमें करेंट एज में माइनस कर दीजिएगा तो ये इक्वल टू कितना, 80 ईयर्स एक गिवन है, 80 लिख दिए, तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30। जब आप 30 पुट कीजिएगा तो मदर कितना हो जाएगा 60 और सन कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ आपको फाइंड आउट करना है दोनों का रेशियो आफ्टर 6 ईयर, तो 6 दोनों में ऐड कीजिए, यहाँ भी 6 ऐड कीजिए, यहाँ भी 6 ऐड कीजिए, तो यहाँ से एक कितना निकल के आएगा 66, यहाँ से कितना आ जाएगा 36, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 11 और ये कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से आपको 11:6 आपका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ आपको गिवन है कि 2 ट्रेन हैं, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ 108 है, L1 कितना है 108 है, L2 कितना है 112 मीटर है, और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स एक इस डायरेक्शन में तो एक इस डायरेक्शन में, और एक का स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का कितना है 42 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है
कि दोनों मिलने के बाद एक दूसरे को क्रॉस हाउ मच टाइम विल बी टेक टू क्रॉस टू इच अदर आफ्टर, मतलब एक पॉइंट पे दोनों मिलने के बाद उसके बाद एक दोनों कितने देर बाद एक अपने आप को क्रॉस कर लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मिला ट्रेन, ट्रेन यहाँ आया ठीक है, और ये ट्रेन यहाँ है मीटिंग पॉइंट है, तो ये तो निकल गया यहाँ आ गया ठीक है, और ये निकल के ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखिए इसके रिफरेंस में ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन वन और ये हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन टू ठीक है। तो देखिए टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या लेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन वन और लेंथ ऑफ ट्रेन टू। लेंथ ऑफ ट्रेन वन और टू कितना हो गया है, ये आपका दोनों का आप ऐड कीजिएगा 108 और 112, तो कितना आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा 220। और स्पीड क्या है, देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको स्पीड को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ से स्पीड आपका 72 हो जाएगा। और देखिए यहाँ मीटर में है और लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको ये टी फाइंड आउट करना है, तो 8 से 4 मरतबे, तो यहाँ से आपको टी आपको निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा 5×20, तो ये 11 सेकंड आपको यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा, ये आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको गिवन है कि पी इन्वेस्टेड 10% मोर देन द क्यू, मतलब पी क्यू आर है, ये 10% ज़्यादा इससे कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इससे 10% कम कर रहा है। तो देखिए मान लेते हैं जब, मतलब रिफरेंस क्या होगा, इसी से रिफरेंस लेंगे क्योंकि ये तो इससे कम है फिर ये इससे कम है, ज़्यादा है 10%, तो मान लेते हैं आर 100% इन्वेस्ट किया ठीक है, तो क्यू कितना 10% कम, तो ये कितना करेगा 90, और ये 10% अधिक, तो 90 का आप 10 निकालिएगा तो 9 आ जाएगा, और 90 में आप 9 ऐड कीजिएगा तो 99 हो जाएगा। तो देखिए और टोटल यहाँ ये कितना हो जाएगा 289, तो यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट आपको ऑल 3% का गिवन है, मीन्स 289 बराबर आपको कितना गिवन है 5780, तो यहाँ से आप एक का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20, और आपको फाइंड आउट क्या करना है आर का इन्वेस्टमेंट, आर का कितना है 100, तो आप 100 में निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका 2000 आंसर निकल के आ जाएगा।